मैं हूँ ऋचा गुप्ता, वेलकम टू घर का मैजिक। आज मैं बताने जा रही हूँ मठरी घर में कैसे बनाते हैं। मार्केट में तो मठरी इजली मिल जाती है, लेकिन मार्केट के कंपैरिजन में घर की मठरी ज़्यादा शुद्ध और टेस्टी होती है। जब हम घर में कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हेल्दी और टेस्टी चीज़ें यूज़ करके एक अच्छी मठरी तैयार कर सकते हैं। ये जो मैं आज टेस्टी, हेल्दी और स्वादिष्ट मठरी बनाने जा रही हूँ, या आप किसी फेस्टिवल पे या किसी ओकेजन पे या डेली स्नैक्स के रूप में आप गर्मा गर्म चाय के साथ खा सकते हैं। चलिए बताने जा रही हूँ टेस्टी और हेल्दी मठरी। हेल्दी, टेस्टी एवं क्रिस्पी मठरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं पालक के पत्ते, स्पाइनिच, ये कोरिएंडर लीफ, धनिया की पत्ती जो साफ करके रखा है, और रेड बीट यानी चुकंदर, कुछ ग्रीन चिल्ली और ये जिंजर के टुकड़े, और साथ में मैं ले रही हूँ मैदा, घी, थोड़ा सा अजवाइन, नमक, ये कलौंजी जिसे मंगरेल कहते हैं, और थोड़ा सा जीरा। चलिए अब बनाने चलती हूँ। पालक के पत्ते को मैंने कट कर रखा है, इसे एक मिक्सी की सहायता से पालक के पत्ते, धनिया की पत्ती जो इसे भी अच्छे से धुल लिया था, धुल के कट कर रखा है, साथ में जिंजर, कुछ ग्रीन चिली और साथ में नमक, ये डाल के मैं मिक्सी में पीस लूंगी, और ये रेड बीट और चुकंदर, इसको कद्दूकस करके और छान लूंगी छन्नी में। अब तैयारी करने जा रही हूँ। ये पालक, धनिया की पत्ती, जिंजर, थोड़ा सा साथ में नमक, ग्रीन चिली को जो मैं अच्छे से पीस के और ये पेस्ट बना लिया है, रेड बीट यानी चुकंदर को मैंने कद्दूकस करके या पीस कर इसका मैंने जूस निकाल लिया है। अब इसका मैं कमाल दिखाने जा रही हूँ कि टेस्टी मठरी और सुंदर मठरी कैसे तैयार होती है। सबसे पहले किसी साफ बर्तन में मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम मैदा। आप मैदा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कितना बनाना है। मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम मैदा, क्योंकि फेस्टिवल है, दीपावली है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मैदा ले रही हूँ अपने गेस्टों को खिलाने के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी अच्छे से मयन, घी का मयन, मयन इतना हो कि अच्छे से बनने लगे मुठियाँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा अजवाइन, मैं हाथ का हेल्प ले रही हूँ, किचन में हो और हाथ ना लगाओ तो फिर मज़ा ही क्या है, तो हाथ तो गंदा होना ही है। तो अजवाइन, जीरा, थोड़ा यहाँ कलौंजी या मंगरेल ले रही हूँ, और साथ में नमक तो जरूरी है, टेस्ट के कुटा नमक। ये मैंने घी का मयन लगाया है डो तैयार करने के लिए। जब ये अच्छे से, ये देखिए इस तरह बनने लगे, तो अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी मठरी तैयार होगी। अभी ये मेरे ख्याल से घी नहीं पड़ेगा, अब तैयार हो गया। अब इसे मुझे तीन भाग में अलग करना है। कुछ को मैं पालक और धनिया की पत्ती वाला आटा बनाऊंगी, और कुछ को रेड बीट यानी चुकंदर वाला आटा या डो बनाऊंगी, और ये जो ज़्यादा है, मुझे चार भाग करने थे, तो एक एक भाग रेड बीट और पालक के डो बनाऊंगी और एक प्लेन बनाऊंगी, वो ज़्यादा बनाऊंगी। इसे पानी की सहायता से भून के रख दूंगी। ये प्लेन वाला मैदा डो तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक ये बाउल में रख दे रही हूँ, थोड़ी देर ये सेट हो रहा है, तब तक दूसरा मैं तैयार करती हूँ। ये दूसरा मैदा मैंने जो पालक, धनिया की पत्ती और साथ में जिंजर, ग्रीन चिली वाला ये तैयार किया था पीस के, अब इससे मैं आटा बनाऊंगी। ये आटा पूड़ी की तरह मुझे बनाना है, क्योंकि मठरी बनानी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, एक जैसे पूड़ी बनती है सारी प्लेन पूड़ी वैसे बनाना है। ये धनिया की पत्ती और ग्रीन चिली, जिंजर और पालक वाला आटा भी जो तैयार हो गया, इसे अच्छे से घी लगा के
ये देखिए ये भी मटकी का आटा तैयार हो गया, इसे मैं बाउल पे निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं तीसरे वाले की ओर चलती हूँ और ये है चुकंदर यानी ग्रीन पीस जो बहुत हेल्दी होता है, आप इसका भी आटा बनाऊंगी। मटकी में मोयन थोड़ा ढंग से होना चाहिए। देखिए मैंने कद्दू कस करके अच्छे से जूस निकाल दिया है, अब इसकी हेल्प से मैंने ब्रेड आटा बनाना है। ये चुकंदर का थोड़ा सा लिक्विड कम पड़ा, ये मैं छन्नी से थोड़ा सा और ये पुश कर रही हूँ, देखिए और निकल रहा है ये। इसे भी एक पूड़ी की तरह और अच्छे से आटा डो तैयार करके इसे भी रख रही हूँ। ये रेड बीट यानी चुकंदर वाला आटा, ये भी डो तैयार हो गया, हल्का सा घी का हेल्प और ये भी आटा तैयार हो गया। अब मठरी बनाने चल रही हूँ। ये मैंने चार डो के चार पेड़े बनाए हैं, एक रेड बीट चुकंदर के पेड़े, एक धनिया की पत्ती यानी पालक वाले लोई और दो प्लेन। अब इसको मैं रोटी की तरह अच्छे से बेल लूंगी। इन बेली भी पहले मैंने इन रोटियों को अच्छे से बेल लिया है वाइट, फिर उसके ऊपर लेयर लगा रही हूँ। पहले वाइट रखा फिर ग्रीन रखा, आपकी इच्छा है आप रेड भी रख सकते थे, फिर वाइट रखा और फिर रेड रखा, फिर इसको बेलन की सहायता से अच्छे से बढ़ा लूँगी। ये चारों रोटियों को मिला के अच्छे से बेल लूँगी। तब एक में चिपक कर अब इसको खूब अच्छे से टाइट करते हुए रोल बना लूंगी, खूब टाइट करते हुए इस तरह ये रोल बना लूंगी। रोल बनाने के बाद इसे खूब अच्छे से मिला दूंगी, थोड़ा सा यहाँ पानी का हेल्प ले सकते हैं कि चिपक जाए, खूब अच्छे से बना के और इसे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मैं फ्रीज में रख दूंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बताऊं, तो ये फ्रीज में रख दूंगी। फ्रीज में रखने के बाद कुछ इस तरह देखिए मैंने फ्रीज में रखा था, ये टाइट हो गया। अब इसको चाकू की हेल्प से इस तरह कट करूंगी, ये देखिए थोड़ा सा मोटे भागों में इस तरह कट करूंगी। ये कट करने के बाद इस तरह देखिए इस तरह तैयार हो गया है, कितना सुंदर कलर आया है। अब इसको मैं बेलन की हेल्प से बेल लूंगी। ये मछली तैयार हो गई है, आप इस तरह रख के और इसे पुश करना है और फिर इसको बेल लेना है, ये इस तरह कुछ मोटे आकार में बेल लेना है और फिर इसके फॉर्क की हेल्प से ये इस तरह करना है। और बीच में यूं ये मठरी तैयार हो गई। इसी तरह सारी मठरियां बेल के और तैयार कर लेना है। घी रख दिया है, गर्म हो रहा है। घी गर्म हो गया है, पहले सबसे पहले मैं चेक करती हूँ। हाँ ये घी, इसमें बहुत तेज आंच पे घी को नहीं करना है। अब इस मटरियों को मैं एक एक करके डालूंगी स्लो मीडियम पे। ये क्रिस्पी मठरी करारी तैयार हो गई है, अब इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरा डाल रही हूँ।
एक एक करके इस तरह मैं सारी मठरियाँ तैयार कर लूँगी। ये चुकंदर, पालक, धनिया की पत्ती और ये क्रिस्पी और टेस्टी मठरी गोल्डन तल के तैयार हो गई है, बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं सारी मठरियाँ बना लेनी है। फेस्टिवल टाइम हो या मॉर्निंग एंड इवनिंग स्नैक्स हो, तो क्यों ना ये हेल्दी और टेस्टी मठरी बना के खाएं। तो चलिए, अगर ये मठरी आपको पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू।